दोस्तों, मोबाइल की सेल्फी कैमरा की मेगापिक्सल को रियर कैमरा की मेगापिक्सल की तुलना में कम क्यों रखा जाता है? असल में दोस्तों, आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा फोन है जिसका रियर कैमरा 108 मेगापिक्सल या उससे भी ज्यादा का है, उस कंडीशन में उसका सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल या फिर केवल 16 मेगापिक्सल का ही होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों, फोन के सेल्फी कैमरा का यूज हम खुद की फोटो क्लिक करने के लिए करते हैं और इस कंडीशन में हमारे फोन और हमारे फेस के बीच की दूरी काफी ज्यादा कम होती है, जिसके चलते हुए फोन के कैमरा को हमारी फोटो क्लिक करने के लिए ना ही ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत होती है और ना ही ओवर क्वांटिटी की। लेकिन वही बात अगर रियर कैमरा की जाए तो रियर कैमरा का इस्तेमाल करते हुए हम पास और दूर दोनों ही ऑब्जेक्ट की फोटोज या वीडियोस को शूट करते हैं। इनके चलते हुए उन फोटोज में डिटेलिंग और क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए रियर कैमरा के मेगापिक्सल और उनकी क्वांटिटी तक को बढ़ा दिया जाता है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए फोन की ओवरऑल कॉस्ट और कैमरा क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए फ्रंट कैमरा की पिक्सल को ऑलमोस्ट रियर कैमरा की मेगापिक्सल की तुलना में हमेशा ही कम रखा जाता है।